हिंदी साहित्यकार के जीवनी के इस अंक में आज हम धर्मवीर भारती जी के साहित्यिक जीवन यात्रा के बारे में जानेंगे। धर्मवीर भारती जी का जन्म 5 सितंबर 1926 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जनपद में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री चिरंजीव लाल वर्मा, माता श्रीमती चंदा देवी, पत्नी प्रथम पत्नी कांता भारती और दूसरी पत्नी का नाम पुष्पा भारती था। धर्मवीर भारती जी की स्कूली शिक्षा डीएवी हाई स्कूल में हुई। उच्च शिक्षा इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। इसके बाद प्रथम श्रेणी में एमए करने के बाद इन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध लिखकर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। बचपन से ही धर्मवीर भारती को अध्ययन और यात्रा का बहुत शौक था। इनके चिंतन और तर्क शैली में आर्य समाज का प्रभाव देखने को मिलता है। भारती जी के आर्थिक विकास से संबंधित विचारधारा पर मार्क्स के सिद्धांत का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके साथ ही रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत ये इनके विशेष प्रिय साहित्यों में से एक थे। इन्हें प्रसाद एवं शरद चंद के साहित्य भी बहुत प्रिय लगते थे। पश्चिमी साहित्यकारों में भारती जी को सीले और ऑस्कर वाइल्ड विशेष प्रिय थे। इनके द्वारा रचित उपन्यास गुनाहों का देवता एक सदाबहार रचना मानी जाती है। यह एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है। इनके द्वारा रचित दूसरा सबसे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी की कहानी विधा में एक अनुपम प्रयोग माना जाता है, जिस पर श्याम बेनेगल ने फिल्म भी बनाई। अंधा युग इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक है, जिसे लगभग 7 से भी ज़्यादा भारतीय रंगमंच निर्देशकों ने मंचन किया, जैसे इब्राहिम अलकाजी, राम गोपाल बजाज, अरविंद गौर, रतन थियम, एम के रैना, मोहन महर्षि आदि। इनके लेखन की एक खासियत यह थी कि ये हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त करती थी। भारती जी को फूलों का बेहद शौक था, तो इनके साहित्यिक विशेषता में हम देखते हैं कि इनके साहित्य में फूलों से संबंधित बिंब प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इनकी कहानियों, कविताओं और उपन्यासों में प्रेम और रोमांस के तत्व मौजूद होते हैं। इसके साथ ही इनकी रचनाओं में इतिहास और समकालीन स्थितियों, मध्यम वर्गीय जीवन के यथार्थ के चित्र, स्वतंत्रोत्तर भारत में आई मूल्यहीनता, पश्चिम के मूल्य, जीवन शैली और मानसिकता के संतुलन आदि के बारे में मुख्य रूप से ऐसे तत्व स्पष्ट रूप से इनके साहित्यिक रचनाओं में देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने पहले चर्चा किया कि इनका उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा, जिस पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है, इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्यम वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। एक नज़र इनके कार्य क्षेत्र पर अगर हम दें तो भारती जी ने सन 1948 में संगम पत्रिका में 2 वर्ष तक सहकारी संपादक के रूप में कार्य किया। इनके द्वारा निकस नाम की एक पत्रिका भी निकाली गई और आलोचना का इन्होंने संपादन किया। धर्मयुग में ये प्रमुख संपादक के रूप में कार्यरत रहे। हिंदुस्तानी अकादमी में ये अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए।
सन 1999 ईस्वी में उदय प्रकाश के निर्देशन में साहित्य अकादमी दिल्ली के लिए इन पर एक वृत्त चित्र का निर्माण भी किया गया जो अपने आप में अनूठा है। साहित्यिक रचना के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही बेमिसाल कार्य किया, इसके लिए इन्हें कई सम्मान से भी नवाजा गया। सन 1994 में भारती जी को व्यास सम्मान, महाराष्ट्र गौरव, कौडिय न्यास का सम्मान दिया गया। सन 1989 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। सन 1988 में इन्हें महाराजा मेवार फाउंडेशन का सर्वश्रेष्ठ नाटककार पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा सन 1984 में वैली टर्मरिक द्वारा सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता का पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ। सन 1972 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। इनकी प्रमुख साहित्यिक रचनाओं की ओर अगर हम गौर करें तो कविता संग्रह में कनुप्रिया, सात गीत वर्ष और ठंडा लोहा प्रमुख कविता रचना मानी जाती है। कहानी संग्रह में इन्होंने बंद गली का आखिरी मकान लिखा जो प्रमुख साहित्यिक रचनाओं में से एक है। इनके द्वारा रचित उपन्यास में प्रमुख सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता माना जाता है। गीति नाट्य में प्रसिद्ध साहित्यिक विधा के रूप में अंधा युग बहुत ही प्रमुख साहित्यिक रचना मानी जाती है। निबंध संग्रह में इन्होंने पश्यति की रचना की जो प्रमुख साहित्य रचनाओं में से एक है। इसके अलावा कहानी, अकहानी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय इनके द्वारा रचित प्रमुख साहित्यिक रचनाओं में से एक है। भारती जी ने इसके अतिरिक्त रिपोर्टाज भी लिखे। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता देखने को मिलती है। बड़ी से बड़ी बात तो वो बातचीत के शैली में यूं कह देते जो सीधे पाठकों के मन को छू लेती है। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक रहते हुए इन्होंने हिंदी पत्रकारिता को भी सजा और सवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया। इनका कहना था कि अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी ना बनो। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो, पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। इस महान लेखक, निबंधकार, उपन्यासकार और यूं कह लें कि महान कवि की मृत्यु 70 वर्ष की आयु में 4 सितंबर सन 1927 को मुंबई में हो गया। इनके द्वारा रचित कालजयी रचनाएं संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेरणा के स्रोत माने जाते हैं। आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम इसी प्रकार हिंदी साहित्यकार की जीवनी के इस अंक में एक अन्य साहित्यकार के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।